थाना पड़ोले एक भगोड़ा कुत्ता की तरह हो गया। वो कुत्ता बोलता ना पागल हो जाता, किसको भी काटता है, मार डालूंगा। अरे अपने सगे बाप को नहीं कहता, इन्होंने देश के उस प्रधानमंत्री प्रथम नागरिक को ललकारा है। नाना पड़ेल का चैलेंज हो, ओपन चैलेंज देता हूँ, मुंह के बल खाएगा। जैसे एक प्रधानमंत्री को तुमने कहा पब्लिक इसको मुंह पर बाल गिराएंगे। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले का पीएम मोदी के खिलाफ एक विवादित बयान वाला वीडियो वायरल हुआ, जिसमें साफ साफ नजर आ रहा है कि वो पीएम मोदी पर निशाना कर रहे हैं। देखिए इस वीडियो को। मैं मोदी को मार भी सकता हूँ और गाली भी दे सकता हूँ। इस बयान का वीडियो के वायरल होते ही महाराष्ट्र सहित पूरे देश में नाना पटोले के खिलाफ बीजेपी द्वारा नारेबाजी और प्रदर्शन शुरू हो गया। पटोले के इस विवादित बयान का जोरदार जवाब दिया नागपुर बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के शहर अध्यक्ष मोहम्मद फारूक शेख ने। नाना पटोले एक ऐसी शख्सियत है बहुत कम लोग जानते हैं। एक तो पहले भगोड़ा कुत्ता की तरह हो गया, वो कुत्ता बोलता ना पागल हो जाता, किसको भी काटता है। इलेक्शन को देखते हुए उसने एक यू टर्न कराया, क्योंकि उनको मालूम है नाना जी को कि आने वाला जो इलेक्शन है 5 राज्य के इलेक्शन है, गोवा है, पंजाब है, उत्तराखंड है, मणिपुर है, उत्तर प्रदेश है और नागपुर शहरगढ़ में नागपुर महानगर पालिका आने वाला इलेक्शन है। उसको देखते हुए ये तिकड़म सरकार में से इसको मुद्दे नहीं मिल रहे थे। इन्होंने एक ऐसे उभरते हुए सितारे जो पूरे दुनिया का एक शेर है, बादशाह शेर है, जिसे हर कंट्री ने उसको सम्मान दिया है, ऐसे शख्सियत मोदी जी को उन्होंने अपने जन टिप्पणी कहा, मार डालूंगा। अरे अपने सगे बाप को नहीं कहता, अपने बेटे को नहीं कहता, अपने बड़े भाई को नहीं कहता, क्योंकि कारण पूछता है, मारने का कारण पूछता है। इन्होंने कारण नहीं पूछा है, इन्होंने देश के उस प्रधानमंत्री प्रथम नागरिक को ललकारा है। आप मुझे बताइए, पत्रकार लाइन साहब बताइए, क्या आपके भानों को ठेस नहीं पहुंचा? एक कैसे नरेंद्र मोदी जिन्होंने पूरे दुनिया में नाम कमाया, हिंदुस्तान का कोविड ले लो, वैज्ञानिक का ले लो, या तुम्हारे सेना का ले लो, जितने मुद्दे आज प्रधानमंत्री में सक्षम करके एक एक, एक मुद्दा को भारतीय जनता पार्टी के तरफ से और प्रथम नागरिक होने के कारण उन्होंने अपने वाराणसी बोलो या अपने देश के विषय को लेके कभी ऐसे विषय को किसी को ठेस नहीं पहुंचाया, ऐसे देश के प्रथम नागरिक प्रधानमंत्री। मगर मैं आपसे ये कहना चाहूँगा, मुझे आज बड़ा दुख हुआ कि नाना पटोले इतना सक्षम पढ़ा लिखा आदमी, क्या ऐसा नहीं लगा उसको कोविड का तीसरा इंजेक्शन ले लेंगे, उसको कुछ अंदर से खलबल खलबल मची होंगी कि मेरे को इतना बड़ा इंजेक्शन दे दिए, मेरे को मुद्दे नहीं मिल रहे। मैं एक मुद्दा इसलिए निकालता हूँ, भारतीय जनता पार्टी से जो चुन के आया सांसद, जिनको उसके मुद्दे पूरे दे रहे थे, किसान से लेकर हर मुद्दे दे रहे थे, मगर उन्होंने उनकी सुना नहीं, उन्होंने रिजाइन दिया। आखिर किसके झोली में गया? अपने मम्मी की झोली में गया। मम्मी कौन? इटली की मम्मी सोने जी। अब इतने इतने बढ़िया को सक्षम है तो वो तिगड़ी सरकार में कहां से सक्षम हो सकती है, पूछे मुझे बताइए, नाना पटेल से पूछिएगा। क्योंकि नाना पटेल को मालूम है कि वो एक इलेक्शन हार चुका है, चंद्रशेखर बावन कूड़े का, वो क्यों हारा है उसका रीजन मालूम है आपको? शायद आप ये देखिएगा, हमने पहले ही कहा था कि हम 300 से पार करेंगे और हमने पार करके दिखाया है। ये चुबन उसको घूम रही थी, क्योंकि उनको खुद अपने घर में छेद दिख रहे थे। छेद बोले तो नितिन राउत एक छेद, सुनील केदार दूसरा छेद और तीसरा नाना पटोले, क्योंकि ये तीनों तिकड़ी में सरकार है, तीन नेता है। ये नागपुर महानगर वाले पर कभी नहीं जीत पाएंगे, इनका सपना कभी नहीं होगा, हम तो 120 के ऊपर तक लेके जाएंगे। ये नाना पटेल का मेरा चैलेंज हो, ओपन चैलेंज देता हूँ, नागपुर महानगर पालिका में लड़वा के बता दे अपने उम्मीदवार को, मुंह के बल खाएगा। जैसे एक प्रधानमंत्री को तुमने कहा है, पब्लिक इसको मुंह पर बाल गिराएंगे।